साक्षी बड़ी हुई। हाँ तो अभी तूने कहा स्वाति बड़ी है। श्रुति देखो 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 कितना अपनी आंखें मटका रही है, बिल्कुल फिल्म के हीरोइन की तरह। लगता है बड़ी होकर फिल्म की हीरोइन नहीं बनेगी। हाँ, हमारी साक्षी कोई हीरोइन वीरोइन नहीं बनेगी। मम्मी को देखो कैसी बातें कर रही है। अरे मम्मी से कहो अभी तो हम प्ले स्कूल जाएंगे, वहाँ खिलौनों से खेलेंगे, फिर दीदी से लड़ाई भी तो करेंगे। लड़ाई भी करेंगे? ऑफकोर्स, बिना लड़ाई की कभी कोई बच्चा बड़ा हुआ है? वैसे अपनी मम्मी से पूछिए, वो श्रुति मासी से कितनी लड़ाई करती थी। हाँ, श्रुति मासी हमसे लड़ती थी और हम सिर्फ अपना बचाव करते थे। अच्छा झूठी। ए पता है, हम इन दोनों को ना वंडरलैंड प्ले स्कूल में भेजेंगे। मैंने सब पता कर लिया है, बहुत अच्छा प्ले स्कूल है। उसके बाद एवीएम स्कूल और फिर जीएमसी कॉलेज, आप दोनों के लिए सबसे अच्छा कॉलेज है वो। और फिर साक्षी परस्यू करेगी मेडिकल और फिर मैं जानती हूँ तो क्या सोच रही होगी। क्या? यही कि मैं बेवजह तेरे बच्चों की माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ। अपने दिल पर हाथ रखो और कहो, क्या हम तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोच सकते हैं? श्रुति, हम ये सोच रहे हैं कि तुम्हें और तुषार को बच्चे इतने पसंद हैं, तो फिर तुम्हें और एक बच्चे की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। क्या हुआ श्रुति? कोई प्लानिंग काम नहीं आएगी खुशी। क्यों श्रुति? खुशी, मैं कभी मां नहीं बन सकती। क्या क्या कहा तुमने? हाँ खुशी, मैं सच कह रही हूं। मेरी गोद हमेशा सोनी रहेगी। मैं अपनी ममता सिर्फ दूसरों के बच्चे पर लुटा सकती हूँ। मेरा अपना कभी कोई नहीं होगा, कभी नहीं। श्रुति,